कोटा सुरीर क्षेत्र में रविवार को सुबह एक के बाद एक घटना होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 90 के समीप लगभग 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुरीर पुलिस ने मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दे दी और आनन फानन में सीओ माट, एसपी देहात आदित्य कुमार शुक्ला और डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। काफी प्रयासों के बाद भी युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। जानकारी देते हुए एसपी देहात आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि सर्वप्रथम युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। युवती की बॉडी पर ऐसा कोई घाव या चोट का निशान नहीं है जिससे कोई अंदाजा लगाया जा सके। फिर भी पुलिस जल्द से जल्द घटना से पर्दा उठाने का प्रयास करेगी। एक लड़की की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष लग रही है और इस पर कोई जाहिर चोट नहीं, कुछ नीलू आदि के निशान तो अवश्य लग रहे हैं। अब हम लोग मौका मुआयना किए हैं, सबको पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। उसके तो बाद जहाँ लोगों के समय कार्रवाई है तो हम करेंगे। पहले इसकी सबकी पहचान का प्रयास कराते हैं, इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अब प्रथम दृष्टया तो ये है कि ये अप्राकृतिक मृत्यु ही है। अब ये चोट से हुई है या यहाँ गाड़ी से एक्सीडेंट है या किसी ने इसको डाला है, तो ये सब बिंदु पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।